गणेश पंडाल में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। ये सभी लोगों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा अलग अलग टीम तात्कालिक बनाए दी गई थी। पत्थरबाजी करने वाले महत्तम लोगों को पकड़ लिया गया। उसी के साथ आसपास की कुछ मंजिलों में से मस्जिद से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनको पकड़ने के लिए पूरी रात कॉम्बिंग चलाया गया। गुजरात में बीती रात सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस चौकी पर पथराव हुआ। उस दौरान गुजरात सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आई। खुद मुख्यमंत्री ने सीपी से बात की, होम मिनिस्टर खुद घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सूरज की पहली किरण के पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, और कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे साथ गुजरात के गृहमंत्री हैं हर्ष भाई संघवी, उन्हीं से बात करते हैं। हर्ष भाई, जैसे आपने कहा कि सूरज की पहली किरण के पहले सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई थी, किस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल की गई रात में और कैसे ये कार्रवाई हुई? सूरत शहर में बीती रात सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में हम सब की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, ऐसे गणेश चतुर्थी के गणेश पंडाल में कुछ असामाजिक लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। ये सभी लोगों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस द्वारा अलग अलग टीम तात्कालिक बनाए दी गई थी। कुछ ही मिनटों में पत्थरबाजी करने वाले महत्तम लोगों को पकड़ लिया गया। उसी के साथ आसपास की कुछ मंजिलों में से मस्जिद से जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको पकड़ने के लिए पूरी रात कॉम्बिंग चलाया गया। पत्थरबाजी करके कुछ लोग घर में छुप के बाहर दरवाजे पे ताले लगा लिए गए थे, वो तालों को तोड़ा गया। घर के अंदर कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग घर के अलग अलग कोने में छुपे हुए थे। ये सभी लोगों को पकड़ा गया। सूरत पुलिस ने यह तय किया था कि पत्थर फेंकने वाले एक भी असामाजिक व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक भी बेगुनाह भी इसके अंदर फंसना नहीं चाहिए। सूरत पुलिस ने ये सभी घटना के दौरान टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया था। 6 से ज्यादा ड्रोन उड़ाए गए थे, मैक्सिमम वीडियोग्राफी की गई थी, उसी के साथ सीसीटीवी एवं अलग अलग नेटवर्कों का भी उपयोग किया गया। ये सभी विजुअल्स के माध्यम से रात को ही हमने तय किया था कि मुरे सूरत शहर में सूरज की पहली किरण के दर्शन जब सूरत शहर के नागरिक करें, उससे पहले ये सभी असामाजिक लोगों को पकड़ा जाए। सूरत पुलिस ने पूरी रात काम करके ये सभी लोगों को पकड़ लिया। आज सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरा यह मानना है कि पत्थर फेंकने वाले असामाजिक व्यक्ति वो मात्र कानून के गुनहगार नहीं है, वो सबसे बड़े सामाजिक गुनहगार है। ये गुजरात जो रात दिन कड़ी मेहनत करके देश का ग्रोथ इंजन बना है, ये गुजरात की धरती ने मात्र गुजरात के लोगों को रोजगार एवं जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसर मात्र नहीं दिए, गुजरात की धरती ने देश के अलग अलग राज्य के लाखों करोड़ों युवाओं को अपने देखे हुए सपने को साकार करने के लिए रोजगार के रूप में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। मैंने कल और आज समाज के सभी आगेवाने को खास अपील की है कि समाज के आगेवान के रूप में आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। समाज के नौजवान
अपनी दिशा से भटके नहीं, क्योंकि गुजरात का हमेशा से एक नियम रहा है, मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से गुजरात में यह हमेशा नियम रहा है कि जो कायदे में रहेगा वो जरूर से फायदे में रहेगा। कानून तोड़ने वाले एक भी व्यक्ति को यहां पे कभी कोई छूट नहीं मिलती, और यही नियमों से हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए गुजरात की उन्नति, गुजरात की शांति ये हमेशा प्रथम रही है और हम यही दिशा में काम कर रहे हैं। बात करें तो एक नई मोडस ऑपरेंडी इस बार दिखी है, बच्चों का इस्तेमाल किया गया है पथराव करने के लिए पंडाल में, नाबालिग बच्चे थे। कुछ पता चला ये किस मकसद से ये सब कुछ किया गया और कितने एज के बच्चे थे ये? बागों में खेलने की उम्र वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ाई करने की उम्र में इन बच्चों के हाथ में पत्थर देना ये अपने आप में बहुत ही शर्मजनक बात है। ये विषय इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और राज्य के गृहमंत्री के तौर पे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कोर्ट में पेशी उनकी बाकी है। कोर्ट में पेशी होने के बाद पुलिस द्वारा ये पूरी जानकारी मीडिया को एवं कोर्ट में रखी जाएगी। आज मेरी एक लिमिटेशन है, मैं इसके बारे में और कुछ मीडिया के समक्ष नहीं बोल सकता। आखिरी में पिछले साल भी कुछ इस तरीके की घटना की गई थी लेकिन पुलिस ने तत्काल कंट्रोल कर दिया था, यही इलाका था। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से छुटपुट छुटपुट हो रहा था, पुलिस भी थी वहां पर और इसलिए तत्काल से कंट्रोल कर दिया गया पूरे मामले को, लेकिन ये ऐसी कैसी विचारधारा है, आपको क्या लग रहा है? देखिये, मैं कल खुद मैं स्वयं बहुत ही कट्टर गणेश जी का भक्त हूं और मुझे गणेश जी में बहुत ही आस्था है, और मात्र मुझे नहीं मेरे शहर के लाखों परिवारों को गणेश जी में अति श्रद्धा है। गणपति जी की गणेश चतुर्थी सूरत शहर के घरों से लेके गलियों से लेके बड़े बड़े रास्तों पे आप जहां जाओगे वहां हजारों गणपति जी की स्थापना होती है। हमारे लिए गणपति जी सबसे बड़े आस्था का केंद्र है। गणपति जी की गणेश चतुर्थी तो 10 दिन की होती है लेकिन उनके आगमन की तैयारियां महीनों पहले से चालू होती है। गणपति जी का त्यौहार ये मात्र आस्था का केंद्र इतना ही नहीं, ये सूरत शहर में 10 दिन में सबसे ज्यादा रोजगार देने का भी त्यौहार है। चाहे आप पंडाल वालों के पास जाओगे उनके पास ना कोई सामान बचता है, चाहे आप रोशनी वाले लाइटिंग का काम करते हैं उनके पास ना कोई सामान बचता है, चाहे आप कैटरिंग वालों के पास जाओगे, होटल वालों के पास जाओगे, लारी वालों के पास जाओगे, सबका 10 दिन के लिए पूरा व्यापार बुक होता है। पुजारी जी जो होते हैं उनकी पूजा का काम पूरा दिन बुक होता है। चाहे पंडाल के लिए टेम्पो ट्रक है, ढोल वाले है, बैंड वाले है, डीजे वाले है, सबके लिए गणपति जी की स्थापना वो अपने आप में दिवाली जैसा त्यौहार होता है। और मैं स्वयं कल वही पंडाल में जाके वही सब गणपति जी के भक्तों के साथ बैठ के पूजा अर्चना भजन सब किया है। मैंने उनसे पूछा कि पिछले दिन कुछ हुआ है, तो उनका ये कहना था कि पिछले दिनों में ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई है। फिर भी ये विषय जब मेरे पास आया तो जांच करना ये मेरी जिम्मेदारी थी, इसके लिए मैंने ये पूरी जांच की है, ऐसी कोई घटना नहीं बनी थी। जब घटना बनी तो सबसे पहले वो लोकल पुलिस चौकी के डिस्टर्ब वाले ही लोगों द्वारा इनको पकड़ा गया है, तो इस पे जो काम करना था वो जरूर हुआ है। ऐसी घटना फिर ना बने उसके लिए सभी समाजों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गणपति जी के ये आस्था में ठेस पहुंचाने में मैं नहीं मान रहा हूं कि
ये प्रकार का कार्य करके किसी को कभी कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि हम ये विषय में बहुत गंभीर हैं। आखिरी सवाल सर, आप सूरत से हैं, गुजरात के गृह मंत्री हैं, महिलाएं मैंने जिनसे बात की जो आयोजकों में थे वो कह रहे थे कि हम 40 साल से रह रहे हमें अब डर लग रहा है जो घटना हुई है उसके बाद, क्योंकि गणेशोत्सव आज 8 दिन बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हमें यही रहना है और इन्हीं लोगों का सामना करना है। आप उनको किस तरीके से भरोसा दिलाएंगे? देखिए, मैं उनके घर कल गया था और ये घटना के बीच में उनके घर गया था, उनसे मिला हूं और मैं उनके साथ हूं। डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है वो हजारों लोग के बीच में मात्र 17 घर हैं, लेकिन हम सब हैं, पूरा शहर है, वो लोग भी हैं। इस प्रकार की सालों से कभी इस प्रकार की परंपरा रही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा पता चल जाएगा। तो वहां पे भी सभी लोगों का एक दूसरे से प्यार बना रहा है और वो बना रहेगा, उसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि अब मैंने आपको बोला कि पत्थर फेंकने वाला कोई भी व्यक्ति वो मात्र कानूनी गुनहगार नहीं है, वो सामाजिक गुनहगार है। और मैंने खास तौर पे मुस्लिम समाज से भी आज अपील की है कि समाज के आगेवान उनको बुलाए, उनके परिवारजनों को समझाएं। इस प्रकार का कार्य कभी भी किसी भी समाज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि इस पे सोच के काम किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो गृह मंत्री हर्ष संघवी थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सूरत पूरी की पूरी सिटी, गुजरात सरकार, खुद गृह मंत्री उस इलाके के सभी हिंदू परिवार के लोगों के साथ है, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई खरोच आगे उन्हें आने नहीं दी जाएगी, क्योंकि गुजरात में जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, ये खुद गृह मंत्री का बयान था। सूरत से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ इतन मिटलानी, टाइम्स नौ नवभारत।